अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वह आकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे राम भक्तों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दिया, शहादत दिया, बहुत लोगों ने अपना जीवन दिया। लेकिन एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, उसी अयोध्या के धरती पर आकर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करता है और ये भव्य राम मंदिर। मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को जनता जवाब देगी। प्रदेश की स्वाभिमानी जनता राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों से चुन चुन कर बदला लेगी। देश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडई अराजकता का बोलबाला था, गरीबों की भूमि हड़पी जा रही थी, गुंडे मस्त थे, गरीब परेशान। आज गुंडे जेल में बिलबिला रहे हैं और गरीबों की भूमि खाली कराई जा रही है। गुंडों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को योगी आदित्यनाथ के द्वारा खाली कराकर गरीबों को सौंपी जा रही है। योगी मोदी ने देश का मान बढ़ाया, उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को जातिवादी पार्टियां बताई। उन्होंने कहा कि जातिवाद शादी विवाह में चलता है, जाति देखकर शादी की जाती है, वोट नहीं, वोट राष्ट्र के नाम, राष्ट्रवाद के नाम पर होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्र के प्रत्याशी अजय शंकर दुबे को जिताने की अपील किया। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, सांसद बीपी सरोज आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर महेंद्र विजय शुक्ल, संतोष मिश्र, चंद्रमण तिवारी, राज पटेल, चंद्रेश गुप्ता, प्रकाश शुक्ल आदि मौजूद रहे। देश प्रदेश एवं जौनपुर जनपद की खबरें प्रमुखता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।